हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो 2017 नवंबर में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं नेट 2017 नवंबर के पेपर में. ओके, फर्स्ट पेपर में. तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारे पास वो 37 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चन वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं. तो जो 37 क्वेश्चन है वो देखते हैं. द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, जो डेटा हायरार्की है स्टोरेज की वो क्या क्या कंसिस्ट करती है. तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बिट्स एंड बाइट. तो बिट्स एंड बाइट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें बिट्स सबसे छोटा होता है, देन उसके बाद बाइट्स आते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है. बाकी जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है उन सब है कि बिट्स के बाद बाइट्स है. तो तीनों ऑप्शन अगर सेकंड तक देखें, बिट्स एंड बाइट तक, तो यहाँ तक सही है. देन उसके बाद फील्ड्स, देन रिकॉर्ड्स. अब यहाँ पर फील्ड्स जो हैं रिकॉर्ड्स के पहले आया, तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा, क्योंकि फील्ड्स जब होंगे तभी वो फिर बाद में रिकॉर्ड्स बनेगा. ओके, तो फोर तक सही है, फोर सीरीज तक. देन उसके बाद फाइल्स एंड डेटाबेस. तो जो टू ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो थर्ड है वो करेक्ट नहीं है. तो थर्ड जो है वो रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है और फर्स्ट भी रॉन्ग है. तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. बिट, देन बाइट्स, देन फील्ड्स, देन रिकॉर्ड्स, देन फाइल्स एंड एट लास्ट क्या है, डेटाबेस. अब बात करते हैं 30th क्वेश्चन की. 30th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेस. प्रॉफिट बिजनेस के लिए जो है वो हम कौन सा यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, सेकेंड नेटवर्क के लिए, थर्ड एजुकेशन के लिए, और फोर्थ जो है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो इनका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. तो प्लीज़ जो MPPCS नाम से वीडियो बनाया मैंने, तो वो एक बार देख लीजिएगा, उसमें कुछ के फुल फॉर्म भी दिए गए हैं. जो नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, तो इसमें जो 38 क्वेश्चन है इसका फोर्थ ऑप्शन .com सही है, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए. बिजनेस मीन्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे .com. ओके, 39 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़. जो 39 क्वेश्चन है उसमें जो USB का आजकल सभी को फुल फॉर्म पता होगा, क्योंकि मोबाइल में हम जो चार्जर आजकल यूज़ करते हैं वो USB आता है. वो आप चार्ज भी कर सकते हैं, उससे क्या है डेटा भी ट्रांसफ़र आपका हो सकता है. तो उसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 नवंबर में आया है UGC नेट के फर्स्ट पेपर में, सॉरी CBSE नेट हो गया है अब तो, CBSE नेट के फर्स्ट पेपर में. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स. तो बिलियन कैरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बिलियन कैरेक्टर मीन्स क्या हुआ. तो बिलियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम में नहीं है. तो सबसे पहले अगर हम वंस टेंस की बात करें, तो जो इंडियन कंट्री है, ठीक है, और जो अगर इंटरनेशनल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन हो गया, यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया. ओके, तो इंडियन में अगर बात करते हैं तो जीरोस, वंस स्टार्ट करते हैं वंस, देन उसके बाद आते हैं टेंस, फिर 100, देन 1000. ओके, देन 10,000 के बाद लैक आता है. बट इंटरनेशनल में क्या होता है, 10,000 के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद आता है 100,000. ओके, तो यहाँ से डिफरेंस है. या इंडियन सिस्टम में क्या आ गया, 1,00,000 आ गया. क्या आ गया, 1,00,000 आ गया. बट इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 आ गया. तो यहाँ से डिफरेंस शुरू हो जाएगा. देन 1,00,000 के बाद इंडियन सिस्टम में 10,00,000 आता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 100,000 के बाद जो आता है वो कॉन्सेप्ट आता है 1,000,000 का. देन उसके बाद 1,000,000 के बाद आता है 1,000,000 के बाद आता है 10,000,000 का कॉन्सेप्ट. ओके, 10,000,000 के बाद आता है 1,000,000,000 का कॉन्सेप्ट. तो ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम. तो जो 1,000,000,000 आया, अगर हम इस तरीके से काउंट करें, 1,00,000, उसके बाद यहाँ 1,000,000 जो होता है वो किसके, 1,00,000 जो है 100,000 के बराबर होता है, और जो 10,00,000 की बात करें तो वो 1,000,000 के बराबर होता है. 1 करोड़ की बात करें तो वो 10,000,000 के बराबर होता है, और
10 करोड़ की बात करें तो वो 1 बिलियन के बराबर तो होता है। तो अगर 10 बिलियन जो है वो कितना हो जाएगा, मतलब कि 10 बिलियन यहाँ पर अगर इंडियन सिस्टम में देखें 10 करोड़ में कितने जीरोज होंगे, तो 9, यानी कि अगर हम बिलियन की बात करें तो कितने जीरो होंगे, 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेराबाइट मेगाबाइट, अभी जो इसके पहले लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये मेगाबाइट वगैरह डिस्कस किया था। तो किलोबाइट में कितने थे, 10 to the power 3। तो इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो मेगाबाइट पे 6 थे, गीगाबाइट में 9 थे, टेराबाइट में 13 थे, तो 2 to the power कितने थे, 9। तो 9 0 यहाँ पे जो है वहाँ पे, तो गीगाबाइट जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा किसका, बिलियन कैरेक्टर का। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, गीगाबाइट हमारा करेक्ट है। ओके नेक्स्ट जो है हम और जो भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनको देखेंगे एक एक करके कि कैसे सॉल्व करना है और इजिली कैसे हम 4 या 5 मार्क्स जो भी हैं, या एक तो 2 मार्क्स का आता है, तो इजिली 8 to 10 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ओके अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेट का फर्स्ट पेपर आया हुआ है वो 2017 जनवरी का है। ओके तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पर जो 30th क्वेश्चन है वो कंप्यूटर फील्ड से है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं या दोनों ही इनकरेक्ट हैं या फिर कोई एक करेक्ट है। ओके तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो ICT है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो सबसेट है और किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, दैट मीन्स कि IT का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी ICT के प्लेस में जो है वो IT यूज़ कर लिया जाता है, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो पहला इनकरेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है, द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। जो इस स्टेटमेंट को कहा गया है कि जो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर के पीस का यूज़ करते हैं, राइट टू यूज़ जो टर्म है, ठीक है, वो कॉपीराइट है उसका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दोनों ही, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सेकंड, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 39th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 39th क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड से जो है लोवेस्ट स्पीड की तरफ हमें मूव करना है। तो देखते हैं, जो पहला सबसे लो जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो CPU रजिस्टर की होती है, क्योंकि रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, ठीक है। तो वो पहला ऑप्शन वहाँ पे होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, और इसी तरीके से फोर्थ भी देखते हैं तो वो इनकरेक्ट हो गया। बच्चे हमारे पास 2 and 3 जो ऑप्शन है। देन उसके बाद कैश मेमोरी होती है, ओके करेक्ट है। देन उसके बाद मेन मेमोरी होती है, तब सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें सेकेंडरी मेमोरी पे, सेकेंडरी स्टोरेज पहले, तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। जो थर्ड है वो करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 39th क्वेश्चन का। ओके अब उसके बाद जो हमारे पास 39th के बाद देखते हैं 40 क्वेश्चन है, वो भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है। तो जो 40th क्वेश्चन है उसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो 40th क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। तो वेब 2.0 एप्लीकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस ऑप्शन में करेक्ट है। तो जो मतलब कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वेब 2.0 का, तो पहला देखते हैं करेक्ट है कि नहीं, मल्टीपल यूजर्स शेड्यूल देयर टाइम टू यूज़ वेब 2.0 एप्लीकेशन वन बाय वन। नो, वन बाय वन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है, वेब 2.0 एप्लीकेशन आर फोकस्ड ऑन एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलेबरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। जब से वेब 2.0 एप्लीकेशन आया है तब से क्या हो गया है, जो भी सोशल मीडिया में रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। दैट मीन्स कि एक ही टाइम पे आप शेयर भी कर सकते हैं, एक ही टाइम पे लिख भी सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो भी अपने
आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो आई है वो वेब 2.0 ने हमें दी हुई है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलेबरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, तो ये पूरी तरीके से करेक्ट है। तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन है वेब 2.0 एप्लीकेशन प्रोवाइड यूज़र विथ कंटेंट रादर देन फैसिलिटीज़ यूज़र टू क्रिएट इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी क्रिएट करने को दी जाती है। फोर्थ ऑप्शन जो है वेब 2.0 एप्लीकेशन यूज ओनली स्टैटिक पेज, ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि ये स्टैटिक पेज को, मतलब सिर्फ स्टैटिक पेज को यूज़ नहीं करता है। ओके, तो ओनली स्टैटिक पेज यहाँ पे कर रहे हैं कि यूज़ करते हैं जो वेब एप्लीकेशन होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो है हमारा थर्ड, इसमें भी सॉरी इसमें जो है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 40 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो इसमें है क्या कि विथ रिगार्ड टू अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिक टुगेदर विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन अ डेटा सोर्स, मतलब कि कौन से पब्लिक के साथ भी इंफॉर्मेशन को जो है वो कैसे हम वन मर्ज पब्लिकेशन इज कॉल्ड, जो हम मर्ज करते हैं तो वो कैसे पब्लिकेशन को उसको क्या कहेंगे हम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो वो सिंपल मेल होता है, हम भेजते हैं, और डेटा सोर्सिंग जो होती है वो डेटा का सोर्स कहाँ से है। स्पैम में क्या होता है कि हमारे जो भी मेल आते हैं, जैसे कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट का ऐड है, तो वो सब स्पैम में आ जाते हैं, जो एक साथ भेजे, जब कंपनी भेजती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, जो सेकंड थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि मेल मर्ज जो है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, विथ रिगार्ड टू अ प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस टू कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन, ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है अ पब्लिकेशन टुगेदर विथ वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इन अ डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज पब्लिकेशन इज कॉल्ड मेल मर्ज। लास्ट लास्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो क्या है, डीवीडी का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर एंड डिजिटल डेटा, डीवीडी इज एन एनक्रोनिम्स फॉर, ठीक है, एनक्रोनिम्स मीन्स यहाँ पर क्या है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या उसका फुल फॉर्म होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये MPPCS जो MPPCS से रिलेटेड वीडियो है फुल फॉर्म के, उसमें इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 2017 नवंबर में पेपर आया था उसमें भी फुल फॉर्म पूछा था, जैसे USB का पूछा था, और यहाँ पर देखिए DVD का पूछा हुआ है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर हम लेकर हाजिर होंगे। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, थैंक यू।